दुर्ग आरपीएफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दुर्ग रेलवे स्टेशन के यार्ड के पास से नशीली सिरप का जखीरा बरामद कर जीआरपी चौकी को सुपुर्द किया। दुर्ग के रेलवे स्टेशन के यार्ड के पास नशीली सिरप का जखीरा ले जाते हुए एक आरोपी को आरपीएफ पुलिस ने पकड़ा है। आरपीएफ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर उसे जीआरपी चौकी के सुपुर्द किया। इस दौरान आरपीएफ के थाना प्रभारी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि रेलवे यार्ड के पास एक संदिग्ध युवक बैठा हुआ था। उसके पास दो बैग रखे हुए थे। वह उन दोनों बैग को किसी तरह स्टेशन के बाहर निकालने की फिराक में था। मौके पर पहुंची आरपीएफ टीम ने उसे पूछताछ करते हुए उसके दोनों बैग को चेक किया। उस युवक के बैग में कोडीन फास्फेट सिरप, ब्लूरेक्स टी सिरप मिला। इस दौरान आरोपी के पास से कुल 508 नग सिरप पुलिस को मिला, जिसकी कीमत लगभग 91,440 रुपए बताई गई है। इसके बाद आरपीएफ ने औषधि निरीक्षक से चेक कराने के बाद आरोपी प्रेम प्रकाश नेताम निवासी वार्ड 6 मिलपारा पाटन के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जीआरपी के सुपुर्द किया। आज सवेरे जो है आरपीएफ सुरक्षा बल के एएसआई द्विवेदी साहब को ये खबर मिला कि कोई आदमी है जो दो ट्राली बैग में कोई नशीला पदार्थ लेकर के यार्ड में बैठा हुआ है। उसकी सूचना पर इन्होंने जाकर के वहाँ घटना स्थल पर देखा और इन्होंने ये आदमी है प्रेम प्रकाश नेताम, पिताजी का नाम है होरीलाल नेताम, 36 साल का ये पाटन का रहने वाला है। इसके पास से दो ट्राली बैग में नशीला सिरप, इसका नाम है आपका कोडीन फास्फेट सिरप, क्योंकि 508 सीसी 100 ml का प्रत्येक और करीब 50 लीटर और 800 ml करीब 91,440 रुपये कीमत का जब्त करके यहाँ ले कर पेश किए हैं, जिस पर FIR दर्ज कर अगली कार्रवाई की जा रही है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।